गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग भाई, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग अपने अपने घरों में। तो आज है जुमरात का दिन और आज हमने डेली व्लॉग बनाने का सोचा था, तो बनाएंगे डेली व्लॉग, तो आज तो बना ली, मॉर्निंग से आगाज़ करा हमने। बाकी माइक तो है, आवाज़ तो आपको मे भी बहुत अच्छी आ रही हो, क्योंकि इसकी आवाज़ तो अच्छी है लेकिन मेरी आवाज़ बहुत कम है। असल में जो पिछली व्लॉग्स बनाई थी मैंने, उसका माइक लगा हुआ था बट मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं भी बेहतर हूँ क्योंकि मैंने माइक बिल्कुल करीब लगाया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपका आवाज़ बिल्कुल सही आएगी, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आवाज़ की वजह से। बाकी आज का मौसम भी माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा हो रहा है और बारिशों का सीज़न, तो भाई फुल वीआईपी चल रहा है कि बारिश होगी होगी नहीं होगी नहीं होगी। बाकी बस अभी भी मैं नहा कर आया था तो बारिश वाले ऐसे पड़े हुए हैं, तो बस अभी कबाब तो खैर रेडी हैं, कबाब उठाएंगे और डायरेक्ट शॉप चलेंगे, फिर इंशाल्लाह शॉप पे आपको दिखाते हैं क्या काम हो रहा है, गंजू क्या करता है क्या नहीं करता। तो बस चलते हैं, फिर रेडी होते हैं, मुआत होते हैं, नहा के तैयार करते हैं, बस बाल बाल सेट करने, पूरे गंदे गंदे बाल हो गए, बाल बाल सेट करते हैं, फिर तो उसके बाद शूज़ वूज़ पहन के बाइक स्टार्ट करके चल मेरा भाई। यू नो पहले गियर में धूम, दूसरे गियर में शूज क्या था वो जी, मतलब पोयो ऑयल वाला, तो पोयो ऑयल हो गए और ये 1-2-3 पिल्ले मतलब हद है यार, कैसे कैसे लोग मशहूर हो रहे हैं, हम बेचारे मशहूर ना हो, वो जीत से क्या बात है। चलो फिर चलते हैं शॉप, अभी कबाब शबाब पैक करना है, ये रखे हुए कबाब इसको पैक करते हैं, फिर बाकी शूज वूज पहन के चलते हैं। अच्छा और बाकी है लाइटों में इतना अजाब करा हुआ है, इलेक्ट्रिक वालों को तो भाई अल्लाह ही पूछे, इतनी लाइटें जाती हैं कि बस क्या बताएं आपको। अभी रात में गई हमारी लाइट 2 बजे और 2 से सुबह ये 6-7 बजे, तो पूरी नींद बर्बाद हो गई। जब बंदा शॉप से आए 2-3 बजे तो पता चले कि लाइट ही नहीं है और बंदा तो ऐसी गर्मी में सोए, तो भाई बस पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है भाई, ऐसा वैसा है तो बाहर निकलो, पैसा कमाओ यहाँ से बाहर जाके, मेरी तरह दुबई शुबई जाओ, कनाडा जाओ, आराम से वहाँ पे चिल मार के पैसा कमाओ भाई, यहाँ पे तो लाइटों के अलावा कुछ नहीं रखा हुआ, और बाहर निकलो तो बस पता नहीं होता आपको किस मोड़ पे आपके पास आ जाए भाई, लाओ भाई भाई वाले आ गए क्या बोला तूने। तो भाई बहुत बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, और प्लस मंडी का तो मत पूछे आप लोग, मंडी बहुत बुरा हाल है मंडी का, गजब बेइज्जती है। मैं शॉप के लिए सही हूँ, मैं शॉप जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। लाइट का तो बंद कर दिया, तो हमारा गेट है थोड़ा मुश्किल से बंद होता है तो उसको बंद करना पड़ता है, फिर बाकी कबाब तो ले लिए मैंने, पर चलते हैं फिर शॉप, फिर शॉप जाकर करते हैं गपशप। और मेरी बाइक तो आपने देखी आपने, मेरी बाइक खैर बिल्कुल धुलवाई छुलवाई थी, जो साफ़ सुथरी करवाई थी, तो बस चलते हैं फिर। तो शॉप पे बस अभी भी आए हैं और वो ही होता है जो बस क्या बताएं, लाइट चली गई, मतलब यार हद है यार, लाइट तो अल्लाह माफ कर, इतनी लाइट जा रही है यहाँ पर, इतनी लाइट जाती है 4 टाइम जाती है वो भी 2-2 घंटे के लिए, तो बंदा कमाएगा क्या जो बस बिले भरते रहोगे यहाँ पे तो खाली। तो बस लाइट हैवी है, नाश्ते का दिल चाह रहा है, नाश्ता करते हैं, अभी भूख भी लग रही होगी, कबाब पराठा खाएंगे हम, बाकी हमारी बेगम चलिए हमसे नाराज़ थोड़ी बहुत, तो सॉरी मेरी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, बेगम बोल के सॉरी, बाकी अल्लाह माशा। तो बस फिर नाश्ता वास्ता करते हैं। अच्छा और बाकी हमारी शॉप अभी आगे शिफ्ट हो रही है, ये बस खाली हो रही है, तो समझो 1 तारीख को ही खाली हो जाएगी है, तो बस एक आध दिन है इस शॉप में भी, फिर इंशाल्लाह शॉप आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो आपकी उस कलेक्शन भी आपको बता देंगे कि यहाँ पे भाई यहाँ से दूर नहीं, सुल्तान मस्जिद थोड़ा आगे जाके शिफ्ट हो गया शॉप ना, तो वहाँ पे शॉप दूसरी शॉप है, तो वहाँ पे फिर शिफ्ट हो जाएगा दाल चावल ये सारी चीज़ें।
बाकी वैसे अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर कोई काम शाम, आज कंजू भी नहीं आया तो सारे काम नहीं करने, फिर इंशाल्लाह जैसा भी हो आपको बताएंगे। फिर अभी नाश्ता करने के लिए कबाब ले लिया, कबाब फिर तलेंगे थोड़ा सा, फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे। तो कबाब आ गया हमारा, बाकी पराठा खड़ा था मेरे यहाँ से, सर मेरा पराठा हो गया, वो चाय वाला नाश्ता सस्ता आ गया था, कबाब और ये पराठा गर्मा गर्म। तो अभी बस करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा काम शाम है यार, थोड़ी सफाई सफाई करेंगे, दुकान की गंदी हो रही है, वैसे भी दो दिन तो रहे दुकान में, तो बस दो दिन बाद फिर चले जाएंगे। तो बस फिर नाश्ता डन, खाना पीते हैं, भूखते हैं नाश्ता, फिर थोड़ा सा काम है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, बताते हैं आपको, बता देंगे। तो गंजू से आपको लग रही है भूख, तो ये बोल रहे हैं हलीम ने करा हुआ, हलीम खिला रहे हैं नहीं नहीं हलीम खिला तो रहे हैं ये, लेकिन लेकर तो मुझे आ रही है ना, पेट्रोल को बताओ कितना महंगा पेट्रोल हो गया है। ये दो कदम पे जाना है, दो कदम में आना है बसेरा चौक ना, बसेरा चौक पे जाना है, और चलूँगी बसेरा चौक जाना है हलीम लेने के लिए। तो फिर गंजू भाई से पैसे पकड़ते हैं और लेते हैं, चलते हैं हलीम लेने के लिए, फिर आके गंजू खिला रहे हलीम, रोटी मैं लेकर आऊँ। गरम निहारी सॉरी हलीम के साथ गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, उफ मज़ा ही आ जाएगा खाने का ना, यू नो चस आ जाएगी खाने के। तो बस खाना खाते हैं, फिर उसके बाद गोलगप्पे पैक कर रहे हैं, खाना खाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या काम करना है दुकान में, क्या काम नहीं करना है। तो भाई आज वैसे तो खैर नाश्ता तो खैर सुबह ही करा था नाश्ता, फिर हलीम खाई थी गंजू की, अब उसके बाद तो बता वैसे बस आखिरी दिन है, अभी दुकान समेटनी है बनी चली वाली, ये वाली, फिर इसको समेटने के बाद घर लेके चलेंगे वापस, जैसे लेकर आए थे वैसे लेके जाएंगे इसको वापस। तो मैं कहा चलो आखिरी दिन थोड़ा गोलगप्पे छप्पे खा लेते हैं, तो अभी मैं खाऊंगा दही वाले गोलगप्पे, तो फिर उसके बाद खाने के बाद ब्लॉग एंड करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करेंगे। तो अभी तो मैं दही लेकर आया था, क्योंकि दही हमारे पास होती नहीं है, लाइक यहाँ पर बस खट्टे मीठे चलते हैं, दही वाले बहुत कम चलते हैं, तो मैं दही स्पेशली अपने लेकर आया, दही सवैयाँ वगैरह और ये चने शने ये आ गई, चटनी आ गई और ये गोलगप्पे आ गए। तो अभी हम बनाते हैं एक अच्छा सा गोलगप्पा, आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनाता हूँ मैं, लाइक ये वाला बिल्कुल सही है, इसको हम ऐसे ट्रेल करेंगे, देन छोले 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 फिर हम आ गए छोले ऐड कर दिया, फिर मैं छोटी सी दही, तो दही यार मुझे तो बहुत पसंद है दही भाई, सीरियसली दही के बाद फिर ये चटनी आ जाएगी हमारी खट्टी मीठी चटनी। तो प्लेट में रख के देन पानी आएगा दही का पानी, उसको खा के टेस्ट आएगा।